हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। चलिए मैं आज आपको पनीर हैदराबादी बताती हूँ बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ईजी है और कुछ मिनट में बन जाएंगे सब्जी, ये पनीर की सब्जी। तो देखिए, ये घर के पनीर में है, मैं खुद ही से बनाई थी घर पे, दूध बचा हुआ था मेरा, उसी का पनीर मैं बना ली हूँ। चलिए आपको इस तरह दिखते होंगे, कल रात को मैं बनाई थी, तो देखिए देख सकते हैं। चलिए इसे मैं काट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बस इतने छोटे में ही काटना है, देखिए ज़्यादा बड़ा पीसेस में से नहीं कट करना है, बस इसे मैं कट करके साइड में रख देती हूँ। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तीन मीडियम साइज के प्याज है, चार मीडियम साइज के प्याज है, तीन मीडियम साइज के टमाटर हैं। अब इसे ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, बस इसे चार पार्ट में ही सभी को काट लेंगे अच्छे से छिल के। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ को मैंने कट कर ली हो। लहसुन है थोड़ा कर लिया, दो हरी मिर्च है, फिर बाद में मिर्च डालूँगी, इसे मैं बीच से कट कर लूँगी। चलिए, मैं कढ़ाई तो गर्म हो गया है, अब मैं इसमें करीब दो चम्मच तेल डालूंगी, ऐसे भूज के निकाल लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी जीरा डालूंगी, प्याज डाल देती हूँ, एक सूखी मिर्च डाल दूँगी, सूखी खा लेंगे अपन। इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ, लहसुन कली को डाल देते हैं। अब इसे थोड़ी देर इसी तरह चला लेते हैं एक मिनट के लिए। अच्छा, मैं इसमें टमाटर को डाल देती हूँ, थोड़ी सी नमक में डालूँगी, थोड़ी सी काजू डाल देती हूँ, थोड़ी सी नमक डालूँगी, पकड़ के एक मिनट के लिए पका लेते हैं। चलो फिर एक मिनट हो चुका है, मैं ढक्कन को निकाल के देख लेती हूँ, और मुझे पक चुका है, बस एक मिनट और पकाना है, एक मिनट और इसको पकाना है, ठंडा होने के लिए, बस अभी तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, एक मिनट के लिए इसे बाहर निकाल के ठंडा होने देते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं इसे ठंडा हो चुका, मैं इसे जार में डाल दी हूँ। देखिए, पनीर के चारे क्यूब को मैं इसमें डाल देती हूँ। चलो इसका पेस्ट बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इधर कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इसमें तेल में डालूँगी चार बड़े चम्मच तेल, तेल को गर्म होने देती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पनीर को डाल देती हूँ, काली मिर्ची का डाल दूँगी, मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, इसे पानी में डाल दूँगी, हल्का गुनगुना पानी है फ्रेंड्स, और नमक में डाल दूँगी इसमें, ताकि मेरा पनीर जो है एकदम खाने में अच्छे लगे और सॉफ्ट रहे, किसी तरह का टाइट नहीं होने होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए दो तेज पत्ता है, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी जीरा, पाँच लौंग और चार पाँच गोलकी। अब इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, मसाला का पेस्ट मुझे रेडी रखी थी, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चम्मच धनिया पाउडर है, थोड़ी सी